Hi, girls. Hope you have a great time, yeah? इतनी ओवर एक्टिंग क्या बन गया तू? इंसान का बच्चा ही बन गया है और तुझे का पालक नहीं लग रहा है ये? बन के क्या है तू? क्या है? What is this? यार ये मेरी एयरपोर्ट लुक है. एयरपोर्ट की लुक अंदर से कैसे होती? कभी देखी? बसों में कंगियां भेजने वाले आदमी. तुझे कहा था अक्षय पाजी के सामने नहीं आना. पाजी 8 मिनट के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. एक बात बता, ये तेरा दोस्त है? आपको कैसे पता चला? नहीं ये बता दो, ये दोस्त है तेरा? आपको पता कैसे चला पहले ये बताओ. मतलब तेरा दोस्त क्या मतलब सिंघानिया या ओबरॉयज होंगे? इसके यही होंगे राजू, दिनेश, पांडे, यही तेरे दोस्त होंगे और क्या होंगे? हाँ पाजी सॉरी, तेरी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ती हैं. पाजी ऐसे शूटिंग देखने आया, खाना खा के चला जाएगा. अबे तो शूटिंग देखने आया तो उसको ये आगे बिठा. मेरे दोस्त आते कैसे चुपचाप बैठे रहते हैं? मैं लेके आता हूँ स्टेज पे, तू सबको ले आता ऊपर. यार बता, दे जवाब. पाजी प्रॉब्लम ये है कि सामने बैठ के ना सिर्फ एक ही बंदे को चेक मिलता है. बाकी हमें यहाँ मेहनत करनी पड़ती पाजी चेक लेने के लिए. पाजी मैं ना सिर्फ आपसे एक छोटा सा काम है. देखिए आपके शो में ना देखिए ग्लैमर भी है, एंटरटेनमेंट भी है, डांस भी है, सर एक चीज मिसिंग है, कॉमेडियन. मेरी फिल्म आ रही, मैं तो नहीं जा सकता. और कोई नाम बता, तेरी नजर में है कोई कॉमेडियन? और मैं क्या इधर झाड़ू देने आया हूँ? तू अपनी बात कर रहा है यार. तो और क्यों मेरी बाहर आटे की चक्की है कि मैं तो तुम्हारे पास अखबार देने आ जाता हूँ. ये लो अखबार पढ़ लो आज की. अच्छा तुझे जाना इनके साथ, पर जनरली मैं तेरे को बोलूँ लगेज तो सारा चला जाएगा जहाज में, कार्गो में. हाँ. अपने छोटे छोटे बैग है वो लड़कियां खुद उठा लेंगी. आई डोंट थिंक सो देयर इज अ वैकेंसी फॉर यू ब्रो. यार तुम्हें लगता है ये हैंडसम चेहरा बैग उठाने के लिए है? आई एम वेरी टैलेंटेड ब्रो. पाजी टैलेंटेड बहुत है, मजाक नहीं कर रहा मैं. ऑन ए सीरियस नोट, आप लगेज कई बार एक ही कलर के हो जाते हैं ना, मिक्स हो जाते हैं. ये सूंघ के बता देगा आपका वाला कौन सा है. अरे जर्मन शेफर्ड था पिछले जन्म में. तो क्या करूं बता फिर, अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे अपना नाम राजू से चेंज करा के टॉमी. बर्थ सर्टिफिकेट आपको पता है जब ये पैदा हुआ ना बाजी, हेल्थ मिनिस्टर खुद आया. इसके मम्मी डैडी कहता है इधर हाथ से लिख के दो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा. पाजी जब ये पैदा हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटल वालों ने सारे डॉक्टर छिपा दिए. कहते इसकी नजर पड़ गई ना तो इसने साड़ियां बना के सबको नर्स बना देना. ऐसी कोई बात नहीं हुई. अच्छा I was there. अच्छा ऐसी कोई बात नहीं हुई. जो डॉक्टर पुरुषोत्तम दास पे तुम्हारी नजर पड़ी थी, जो आज तक विग पहन के सामने बैठ के हंस रहा है, उसका क्या? जज के ऊपर पंच मारता है, फालतू इंप्रोवाइज करता है. ये पैदा हुआ ना तो लोगों ने इसके डैडी को नहीं कुछ कहा, इसके दादा को पीटा. कहते जब तेरा ही रिजल्ट खराब आया था तो तू अपने बेटे को नहीं रोक सकता था. पहले एक बात बता मेरे को, मैं वैसे ही सोच रहा था पाजी, अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो ये इन खूबसूरत हीरोइनों को किसको पैदा करके हंसाता? तुम काम की बात बताना. जब तुम और मैं कनाडा गए थे टूर पे, वहां हाँ. जो लोगों ने मेरे बारे में कहा वो बता. हाँ, लोग कहते आपके साथ है इसलिए छोड़ रहे, नहीं तो मार देते हम. नियाग्रा फॉल में फेंकने वाले थे इसको. ओ जाजा तुमसे ज्यादा प्यार मिला था. मैं नीचे उतरा स्टेज से, लोग मुझे कहते आप हमारे साथ चलो, हम खाना खिलाएंगे आपको, चलो सब मिलकर लेके जा रहे थे. अच्छा अर्चना जब इसकी एंट्री होती है वो लंच ब्रेक नहीं होती, आप चने खाने शुरू कर देती हो. एक बंदा आ गया बैकस्टेज पाजी इसको मिलने. फिर? वो कहता आप मेरी यहाँ पे बर्गर शॉप है, आप बर्गर बनाएंगे? कहता सॉरी मुझे ये काम आता नहीं. तो कहता भाई साहब ये जो आप स्टेज पे कर रहे थे ये आपको आता है? पाजी जहाँ पे फैंस होते हैं कुछ एक क्रिटिक्स भी आते ही हैं. और इसके तो फैन भी जब आते हैं वो सारे क्रिटिक्स हो जाते बाद में. देखो अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो दोबारा जो टूर लेके जा रहे हो उसमें मुझे क्यों रखा फिर? मैं तेरे को किसने कहा है? किसने कहा जा, तूने पिछली बार बड़ी बेइज्जती करवाई. एम्बेसी में गया ना तो इसका पासपोर्ट देखा गोरे ने, कहता ये आप हैं? कहता हाँ. कहता कमाल है आपका पासपोर्ट आज तक किसी ने फाड़ा क्यों नहीं? उसने पूछा आपका कभी आज तक वीजा रिजेक्ट हुआ है? ये कहता नहीं. कहता ये लो फिर हो गया. कहता इसकी इतनी बेइज्जती करवाता है हमारी. अच्छा और जो आप एम्बेसी में गया इसको बोलते हैं, कहते डू यू हैव परफॉर्मेंस इन न्यू जर्सी? कहता नो, ओल्ड जर्सी, न्यू जर्सी बैग में. ये गया फ्लाइट में एयर होस्टेस आई, कहती मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कहता इधर तो फिर सारे देख रहे. फालतू में इंप्रोवाइज करवाता है. नहीं नहीं बैठो आप पाजी, फिर हमारा ऊपर पंखा सीधे सर पे चल रहा, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ. कपिल कपिल एक मिनट, पता है पाजी उठ के गए, तेरा मुंह बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे. मेरा देखना चाहते हैं ये रणबीर कपूर, देख लो अब सामने से. एयर होस्टेस आई पाजी, ऐसे नहीं आगे बोलती, इस जहाज में 8 द्वार है, 2 इधर है 2 इधर है. इसको देख के कहती तुम चलो बाहर. कहती गेट आउट. पहली बार जब जहाज में बैठा तो एयर होस्टेस ने बोला कि आप ये बटन दबाएंगे मैं आ जाऊंगी. ये बटन उखाड़ के घर में ले गया, वहां जाके दबा रहा है, आ नहीं रही. सोनम इस बात को समझेगी, एयरलाइंस में काम भी किया. ये वो कहती क्या लेंगे आप?
कहता एलमंड मिल्क, वो शीशा ले आई, कहती देखो जरा अपना मुंह, तुम्हारा एलमंड मिल्क बनता है? कहती खुद का मुंह ऐसा है, लस्सी पी के उसका पटाखा मार देते। बाजी वो स्कैनिंग मशीन नहीं होती जहाँ से बैग निकलते स्कैन करने के लिए, उसमें खुद लेट गया जाके। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा है? कहता इधर मेरे दर्द हो रहा है, इनको बोलो स्कैन कर दो, पथरी तो नहीं है यहाँ पे। बाजी आप बिलीव नहीं करोगे, ये फ्लाइट में बैठा ना पायलट ने देख लिया इसको मिरर में, उसने हवा में स्लिप मारे जहाज के। कहता ये बंदा सुबह मुझे ऑटो में एयरपोर्ट छोड़ के गया, इसको मैं न्यूयॉर्क लेके जाऊं? पाजी इसको गाने का कितना शौक है, ये गया कॉकपिट में, वो पायलट ने बोले लगाए थे कानों में, उसके निकाल के ना अपने कानों में लगा लिए। कहता पाजी नुसरत साहब लगा दो, मेरा कवाली का टाइम हो गया। ये देखो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई ऐसी। ये बंद करते रहो ना, गंदा सा क्लीवेज ना दिखा मैं, बंद कर इसको भाई। ये भी वो खुला रख सकता है जो फिट है, तुम्हारी तरह टी शर्ट नहीं पहन के आते अंदर से। वाह शाबाश, आज तुझे कितना बोलना बोल ले। पाजी ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये धमकी बहुत देता है, बहुत धमकी देता है। हाँ। बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तू पाजी, थैंक यू। अब सुन ले पाजी, मैं उनकी आदत है वो ऐसे ही बोलते हैं, जाते हुए बोल के गए थे इन्हू बाहर कट, पिछली बार भी बोला था उन्होंने। पाजी जिनके लिए बोला था उसको तुम निकाल चुके हो, इसकी हरकतें हैं कि नहीं? आ गया राजीव। नोरा जी आप चैरिटी में बिलीव करती हैं? हाँ। तो मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो। एज चैरिटी, एज चैरिटी प्लीज। पता क्या, आप एक बार कैमरे में बोल दोगे ना राजू आई लव यू, तो मेरे मार्केट में रेट बढ़ जाएगा, प्लीज एक बार बोल दो। मेरे को नहीं पता ऐसी चीजें कब निकल आती फिल्म सिटी में। आपको पता है रात को इधर पैंथर भी आता है, लेपर्ड भी आता है, और ये लोग भी निकल आते हैं। हाँ, और जो पैंथर आता है उसके कपड़े तू पहनता है। ये पैंथर के कपड़े भाजी, इससे बेल डिजाइन पे है, एमएफ हुसैन। नो नो, ये पैंथर के हैं, तूने पहले पैंथर को होली के रंग में नहलाया फिर उतार के कपड़े पहने। धन्यवाद, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, प्लीज रिक्वेस्ट है। क्या बोलो? राजू आई लव यू, राजू आई लव यू। नोरा आई एम सॉरी, इन फालतू बातों के लिए मेरा समय नहीं है, मुझे अपना करियर बनाना है। थैंक यू। आपको पता है अर्चना जी, नोरा ने अभी मीडिया में एक बयान दिया कि अगर लड़का लड़की साथ में डेट पे जाते हैं तो उस डेट पे जो भी बिल आए अच्छा वो लड़के को देना चाहिए, ऐसा इनका बयान था। नोरा जो लड़के गर्लफ्रेंड के खर्चे पे पल रहे हैं कि वो आएगी तो हमें नूडल खिलाएगी, वो कहाँ जाए? आपको पता है आपके इस बयान से ऐसा जो तबका है बेरोजगार जो आशिक हैं वो आपसे नाराज हो सकते हैं, आपको इस बात का डर नहीं लगा? आपने क्यों कहा ये? अजीब है ना, अगर वो लड़की पे करते हैं ना डेट पे। नोरा, वर्ल्ड इज चेंज नाउ, वुमेन आर पेइंग ऑफ कोर्स। हां, एट लीस्ट यू कैन पे बट आई एम नॉट पेइंग। आई लव द क्लैरिटी। Maybe ऐसा होगा कि when somebody is dating you, Nora, they are willingly paying. When they are dating me, they are not paying, so I have to pay. Pali, अब तो आप superstar हो, पूरा world travel करते हो आप। पहली बार दुनिया में जब आपने flight ली थी, क्या experience था पाजी आपका? बड़ा ही funny सा incident हुआ था मेरे साथ। मुझे जाना था Delhi to Bombay। अच्छा जी। तो पहली बार मुझे flight में daddy भेज रहे थे, तो मुझे बोला बेटा तेरे को मैं flight में भेज रहा हूँ, और flight जो है Airbus है। अच्छा जी। और मैं तभी शायद 10 या 11 साल का था, तो मुझे एयर होस्टेस के साथ बोला कि ये ले जाएगी। अच्छा। तो मुझे बोला गया था एयर बस है। अच्छा। तो वो जो बस होता ना, जो एक बस लेके जाती है जो फ्लाइट तक, तो मेरे हाथ में एक बैग था, तो मैंने यूं बैग को एकदम कस के पकड़ के यूं खड़ा हुआ था, तो एयर होस्टेस बोली व्हाट हैपेंड? बोले नहीं, मुझे लगा ये एक्चुअली ये बस उड़ने वाली है। कभी फ्लाइट में बैठे ही नहीं थे, पता नहीं था कुछ भी। लेकिन आज भी जब ये होता ना कि फ्लाइट में बैठना है उसका जो, और फर्स्ट क्लास में, और जो खाना खाओ एयर होस्टेस आएगी देगी, खाना देगी, इतना मजा आता, और सोने का आनंद ही कुछ और, कुछ है। और है फ्लाइट में। हाँ। ऊपर 35,000 फीट आप तकिया लगा के आप सोए हो, इतना मजा आता है। अभी भी वो भूख नहीं गई, वो भूख नहीं जाती फ्लाइट में बैठने की। तो कहावत है कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, ऐसे लोग बोलते हैं, करना भी चाहिए अपने आप को, सेल्फ एंटरटेन भी करना चाहिए। हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करते हैं, आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी जी मैडम।
हेलो कपिल सर. हेलो अक्षय सर. हेलो जी. स्टोरी ये है कि हम अपनी फैमिली में कपिल शर्मा शो करते हैं. अच्छा. जब भी मेरी फैमिली में गेट टुगेदर होता है तो मैं तो अर्चना मैम का ही रोल प्ले करती हूँ. लाइक दिस. और सर जितने भी हमारे घर में बॉयज हैं सब साड़ियाँ पहन के डांस करते हैं. आपके घर के फैमिली के लड़के साड़ियाँ पहन लेते हैं. माय दीदी जिया जी आते हैं तो हम उनको सेलिब्रिटी बना देते हैं. अच्छा. और बाकी सब उनका इंटरव्यू लेते हैं. अच्छा. और हमारे गेस्ट कौन होते हैं? उन्हीं के बच्चे. और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि सारे चारों खाने चित. और अर्चना मैं बुरा बंदा ना, हम एक नवजोत सिंह सिद्धू जी भी बनाते हैं जो बहुत ही अच्छा. और मैम इतना मजा आता है, यू कांट बिलीव, कि हमारा वो फैमिली पैकेज जो होता है उसमें सब, मतलब सब लोग एंटरटेन हो जाते हैं एकदम. कोई गाने गा रहा है, कोई शेर सुना रहा है, और कोई ये साड़ियां पहन के लड़के डांस कर रहे हैं. तो हम सर इंस्पायर्ड तो सर आपसे ही है ना सर. मेरे पे मत दोष दो, आप अब डॉक्टर को दिखाओ. शुक्रिया सोनिया जी, धन्यवाद. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.